नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सर्किट। बच्चों, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सर्किट का प्रयोग नॉर्मली चौराहों पर होता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो उनके क्रम को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि आपको ट्रैफिक जाम से जूझना ना पड़े, हम वहाँ पर ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सर्किट का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली जो यूज़ होता है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सर्किट, उसमें इस तरह की व्यवस्था होती है कि रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, तीन तरह के बल्ब होते हैं, रेड येलो और ग्रीन, वो एक सीक्वेंस में लगातार जलते और बुझते हैं। जैसे पहले रेड बल्ब जला, उसके कुछ समय बाद येलो बल्ब जला, फिर ग्रीन बल्ब जला, फिर रेड जला, फिर येलो जला, फिर ग्रीन जला, ये सीक्वेंस लगातार चलता रहता है। इसमें रेड बल्ब ये शो करता है आपको स्टॉप को, यानी आपको रुकना है, उसके लिए रेड बल्ब जलता है। फिर येलो बल्ब जलता है जो कि ये बताता है कि आपको रेडी होना है चलने के लिए, और फिर ग्रीन जब जलता है यानी आपको चलना है, गो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक सिंपल डायग्राम बना रखे हैं, इसको वायरिंग डायग्राम कहेंगे या फिर सर्किट डायग्राम कहेंगे। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सर्किट में बेसिकली हम जो रिलेज प्रयोग करते हैं वो टाइम डिले रिलेज होते हैं, क्योंकि ये ऐसे रिलेज हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट होते हैं, यानी कुछ समय बाद ऑपरेट होते हैं। ऑपरेट होने का मतलब ये है कि ये ऐसे रिले हैं कि जब एनर्जाइज होना शुरू होते हैं तो उसके कुछ समय बाद उसके कॉन्टैक्ट्स, जो उसमें कॉन्टैक्ट जो उस रिले के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, वो कुछ समय बाद ऑपरेट होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें T1, T2 और T3 तीन हमने टाइम डिले रिले लगा रखे हैं, तो इससे जो ऑपरेट होने वाले कॉन्टैक्ट्स हैं वो कुछ समय जिसके लिए ये रिले सेट किया गया है उसी सीक्वेंस में या उतने ड्यूरेशन के बाद ऑपरेट होंगे। इस स्कीमेटिक डायग्राम में हमने तीन टाइम डिले रिले प्रयोग किए हैं, तीन हमारे पास इंडिकेटिंग लैंप्स हैं, रेड येलो और ग्रीन। ठीक है, एक सिंगल वे स्विच S1 है, और ये आपको जो दिख रहा है, सॉरी ये यहाँ पे गलती हो गई है, ये T11 है और ये T12। अब देखेंगे कि टाइम डिले रिले जो T1 है उससे ऑपरेट होने वाले दो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक T11 और एक T12। इसी तरह T2 से ऑपरेट होने वाले दो कॉन्टैक्ट्स हैं, T21 और T22, और T3 से ऑपरेट होने वाला सिर्फ एक कॉन्टैक्ट है जिसका नाम है T31। क्लियर है? तो आप देखिएगा कि जब S1 को क्लोज करते हैं तो होता क्या है। जब S1 को क्लोज करते हैं तो जो हमारा T31 है वो नेचर में नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ से जब इसको क्लोज करेंगे S1 को, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ आई। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि T1 जो है रिले वो एनर्जाइज होता है, और साथ ही यहाँ से ये T11 क्योंकि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है तो यहाँ से रेड बल्ब जलने लगता है। यानी कि जैसे ही आप स्विच S1 को क्लोज करेंगे रेड बल्ब जलेगा और T1 एनर्जाइज होगा। ठीक है, आप उसके साथ में देखेंगे क्योंकि T12 ओपन है और T22 भी ओपन है। ठीक है, T12 ओपन है और T22 भी ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि न T2 एनर्जाइज होगा न ही T3 एनर्जाइज होगा। ठीक है, अब देखिए जब T1 कुछ समय बाद एनर्जाइज हो जाता है तो होता क्या है। जब T11 एनर्जाइज होता है तो T11 जो कि अभी क्लोज कंडीशन में है ये ओपन होता है। ओपन होने का मतलब कि रेड बल्ब जलना बंद हो गया, यानी कि T1 जितने समय के लिए बना होगा या जितने समय टाइम डिले के लिए ये ऑपरेट होने के लिए बना है, उतने डिले के बाद वो क्या होता है, ऑपरेट हो जाता है। जैसे ऑपरेट होता है T11 जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो ओपन होता है, ओपन होने से रेड बल्ब जलना बंद हो गया। इसी के साथ साथ T1 से कंट्रोल होने वाला एक और कॉन्टैक्ट है T12 जो अभी
ओपन कंडीशन में है, तो ये जब ऑपरेट होता है तो ये क्लोज होता है, ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। जैसे क्लोज होगा आप देखेंगे कि T21 क्योंकि क्लोज है तो एल्लो बल्ब तुरंत जलने लगेगा, और साथ ही इसके क्लोज होने की वजह से T2 जो हमारा टाइम डिले रिले है वो एनर्जाइज होगा, यानी कि अब T2 एनर्जाइज हो रहा है और एल्लो बल्ब जल रहा है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए क्या होता है। जब एल्लो बल्ब जल रहा है और T2 एनर्जाइज हो रहा है तो उस कंडीशन में ये कुछ समय के लिए ऑपरेशन होगा, यानी एल्लो बल्ब कुछ समय के लिए चलेगा। कब तक जलेगा? जब तक कि T2 ऑपरेट ना हो। जब T2 ऑपरेट होगा तो क्या होगा? T21 ओपन होगा क्योंकि ये अभी क्लोज कंडीशन में है, तो ये क्या होगा, जब T2 ऑपरेट होगा तो T21 ओपन हो जाएगा, यानी एल्लो बल्ब जलना बंद हो गया। लेकिन उसी समय क्या होगा, T22 क्लोज होगा क्योंकि ये अभी ओपन है तो ये क्लोज होगा। जब ये क्लोज होगा तो T3 एनर्जाइज होगा और जो हमारा ग्रीन बल्ब है वो क्या होगा, जलने लगेगा। अब जब T3 ऑपरेट होगा कुछ समय बाद तब क्या होगा, जब T3 ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में हमारा T31 जो नॉर्मली क्लोज है वो क्या होगा, ओपन होगा। जैसे ही ये ओपन होगा आप देखेंगे, क्योंकि ये पूरा सर्किट डी एनर्जाइज होने की वजह से T1 T2 T3 तीनों क्या होंगे, डी एनर्जाइज होंगे, और ये पुरानी सर्किट जो है मतलब पुरानी अवस्था में ये पूरा सर्किट रीअसेंबल हो जाएगा। ठीक है, इस सर्किट को अगर आप दोबारा समझना चाहें तो समझिए कि सबसे पहले S1 को क्लोज करेंगे, S1 को क्लोज करेंगे तो इसको क्लोज करते ही सप्लाई T1 तक पहुंचेगी और साथ ही रेड बल्ब तक पहुंचेगी, यानी कि रेड बल्ब तुरंत जलना शुरू हो जाएगा और T1 एनर्जाइज होना शुरू होगा। कुछ टाइम बाद जब T1 ऑपरेट होगा एनर्जाइज होने के बाद तो T11 क्लोज हो सॉरी ओपन हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट, तो T11 जब ओपन होगा रेड बल्ब जलना ऑफ हो गया, बंद हो गया। फिर T11 ओपन होने की वजह से रेड बल्ब जलना बंद हो गया, लेकिन T12 जो कि T1 से कंट्रोल होता है वो क्लोज हुआ। जैसे क्लोज हुआ T2 एनर्जाइज हुआ और T2 एनर्जाइज होने के साथ साथ एल्लो बल्ब जलने लगा। फिर कुछ समय बाद T2 जब एनर्जाइज हो जाएगा तो क्या होगा, T22 क्लोज होगा। जब T22 क्लोज होगा और T21 ओपन होगा तो एल्लो जलना बंद हो गया, और T2 क्लोज होने की वजह से क्या होगा, T3 एनर्जाइज होगा और तुरंत ग्रीन हमारा बल्ब जलने लगेगा। फिर कुछ समय बाद जब T3 एनर्जाइज हो जाएगा तो T31 ओपन होगा। T31 जब ओपन होगा तो ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा, और ये पूरा फिर से वही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा ये पूरे सर्किट डी एनर्जाइज होंगे, साथ ही T3 भी डी एनर्जाइज होगा, तो ये पुरानी अवस्था में लौट आएगा, यानी T31 क्या होगा, क्लोज होगा। जैसे क्लोज होगा फिर से वही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि रेड जलेगा और T1 एनर्जाइज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सीक्वेंस रेड एल्लो ग्रीन, रेड एल्लो ग्रीन के लिए ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सर्किट था। इसी तरह आप और भी सीक्वेंस इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए सर्किट डायग्राम खुद से ड्रॉ करके देख सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।